दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो कभी कूली का काम करता था और कूली का काम करते करते आईएएस ऑफिसर बन गया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कूली का काम करते करते आईएएस ऑफिसर बन गया, वो भी दोस्तों फ्री वाईफाई की ऑनलाइन पढ़ाई से। जी हाँ, फ्री वाईफाई की ऑनलाइन पढ़ाई से। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस शख्स ने किस तरीके से और कैसे पढ़ाई की जिससे आईएएस ऑफिसर बन गए। दोस्तों इस दुनिया में मेहनत और इच्छा शक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। सिविल सेवा की परीक्षा पास करने के लिए लोग मेहनत और लगन के साथ साथ पढ़ाई के लिए एक से बढ़कर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों केरल के श्रीनाथ ने बिना कोचिंग के, जी हाँ दोस्तों बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। श्रीनाथ रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते हैं। उन्होंने पहले केरल पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की और फिर यूपीएससी में भी उन्हें बड़ी कामयाबी मिल गई। श्रीनाथ मुन्नार के मूल निवासी हैं। उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एर्नाकुलम में कूली के तौर पर काम किया। वो अपने परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। दोस्तों साल 2018 में उन्होंने कड़ी मेहनत करने का फैसला किया ताकि उनकी कम आय के कारण उनकी बेटी के भविष्य से समझौता ना हो। जल्द ही उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के बारे में सोचा, लेकिन आर्थिक तंगी ने उन्हें परेशान किया। दोस्तों श्रीनाथ जानते थे कि वो कोचिंग सेंटर की फीस नहीं दे पाएंगे। इसके बाद उन्होंने केपीएससी की तैयारी करने का दूसरा तरीका निकाला। जनवरी 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई की सेवा शुरू हुई थी, लिहाजा उन्होंने स्मार्टफोन के जरिए पढ़ाई शुरू की। फ्री वाईफाई की मदद से श्रीनाथ रेलवे स्टेशन पर काम करते हुए ऑनलाइन लेक्चर सुनते थे। केपीएससी में पास होने के बाद चौथे प्रयास में इन्होंने यूपीएससी की भी परीक्षा पास कर ली। दोस्तों आज आईएएस श्रीनाथ उन लाखों छात्रों के लिए एक जीवित प्रेरणा हैं जो कुछ असफल प्रयासों के बाद निराश महसूस करते हैं, जो संसाधनों की कमी के कारण अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते हैं और जो पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपने स्वयं के सपनों के बीच फंसे हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और आईएएस श्रीनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।